हमारे इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। रही बात तो यहाँ पे सी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, बिहार टेट, छत्तीसगढ़ टेट, हरियाणा टेट, जो भी टेट हो, तो इसमें पर्यावरण अध्ययन के जो भी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन को हम उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 30 क्वेश्चन डेली हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो आज ये पर्यावरण का पहला पार्ट है। तो इसके पहले जैसा कि हम आपको बता दें कि हमने बाल विकास को ख़त्म किया था, और बाल विकास को ख़त्म करने के बाद तुरंत हम पर्यावरण पे आ गए। तो पर्यावरण को भी 30-30 क्वेश्चन हर साल का यहाँ पे पेपर का सॉल्व कराया जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ कि सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। तो 1853 में भारत की पहली ट्रेन जो कि बम्बई से ठाणे तक, तो 16 अप्रैल 1853 में चली गई थी, कुल 34 किलोमीटर चली थी। इसके बाद एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, तो एशिया का सबसे बड़ा मेला जो कि सोनपुर में आयोजित होता है। तो फ्रेंड आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, घंटी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बस हमारे साथ लगे रहिए, धीरे धीरे आप एग्जाम में जाएंगे, हो जाएगा। तो सोनपुर में उसके राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुई थी। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा मेला ये सब, तो यहाँ पे समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अनुच्छेद मिलता है। तो समानता 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, उसके संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, के संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। उसके बाद किस देश में का लचीला संविधान है? तो यूनाइटेड किंगडम का लचीला संविधान है, तो इसे यूनाइटेड किंगडम का। उसके बाद दिया हुआ है, निम्नलिखित किस देश में रे डियर पाया जाता है? तो टुंड्रा प्रदेश में रेडियर पाया जाता है। इसके बाद निम्नलिखित में किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? टुंड्रा प्रदेश में रेडियर पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक शीतोष्ण घास मैदान नहीं है? तो कम्पास जो कि एक शीतोष्ण घास मैदान नहीं है, तो पूर्वी अफ्रीका में सवाना का घास का मैदान, उसके ब्राज़ील में कंपास, वेनेजुएला में लो नो, तो शीतोष्ण कटिबंधी मरुस्थल, अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, इसके दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में इस्टे, इसके ऑस्ट्रेलिया में डाउन। उसके जनसंख्या के अनुसार बृहद महाद्वीप है? तो यूरोप, जनसंख्या के अनुसार बृहद महाद्वीप यूरोप है। उसके बाद भारत में थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही होंगे, भारत में थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई में, उसके बाद थार मरुस्थल में पाई जाती है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सन 2020 में सीटेट जुलाई के नाम से जो था उसमें ये आया था कि भारत में थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है। उसके बाद भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र एशिया में स्थित है। उसके बाद भारत में थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये सब हमने चर्चा किया। उसके बाद भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो पंचायती राज संस्थाओं में। उसके बाद किस
राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए? तो 35 वर्ष के राज्यों के राज्यपाल के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ सूची एक, सूची टू को सही कूट चुने। भारतीय संघ प्रधानमंत्री राज्य सरपंच, उसके बाद निगम राज्य पाल, उसके बाद विलेज मेयर। तो इस प्रकार से दी क्या है, तो आप मिलाने के लिए बी सही मारेंगे, यानी एक का तीन, एक का एक, दो का तीन, तीन का चार और चार का दो। तो यहाँ पे भारतीय संघ प्रधानमंत्री राज्यपाल नगर निगम मेयर ग्राम पंचायत सरपंच। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? तो अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग केरल में 1959 में हुआ। उसके बाद यहाँ पे नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो 135 का सी, आलाप एवं प्रयुक्त सभी। तो गृह कर, चुंगी कर, सभी कर, मनोरंजन कर अगर रहता नहीं लगाया जाता तो मनोरंजन कर नहीं लगाया, क्योंकि कौन सा कर लगाया जा सकता है। तो इसके बाद दिया हुआ है 136 का संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जेली खरपतवार, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह है? तो यहाँ पे बी, कौन सा, एकोर्निया क्रासीपस जलमुखी, जलकुंभी। उसके बाद वायरस के अजैविक होने का लक्षण है? तो वायरस के अजैविक होने इसके क्रिस्टलों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो वायरस के अजैविक होने का इसे क्रिस्टलों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उसके बाद पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, इथाइलीन। उसके बाद स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाले अवायवी जीवाणु, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती हुआ है, तो यहाँ पे क्लास्टिडियम। उसके बाद किस प्रकार का डीएनए कोशिका का सामान्य रूप से पाया जाता है? तो बी डीएनए, क्या, बी डीएनए। तो वाटसन ने, क्रिक ने डीएनए के अणुओं का प्रतिपादन किया, अब बी डीएनए कहते हैं। बी डीएनए सभी कोशिकाओं में समान रूप से पाया जाता है। उसके बाद निम्न में कौन अचल जीव का उदाहरण है? तो अचल जीव का उदाहरण आपका यूप्लेटेला है। उसके बाद यहाँ पे 142 प्रोटीन अणुओं की इकाई है, तो अमीनो अम्ल, प्रोटीन अणुओं की इकाई अमीनो अम्ल है। उसके बाद निम्न में कौन सा अंगक पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं? तो तारक काय पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृति, लीवर है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है? तो सारस अथवा क्रौंच है। तो यहाँ पे डी, तो राजकीय पशु बारह संघ, राजकीय पक्षी सारस क्रौंच, राष्ट्रीय वृक्ष अशोक और राष्ट्रीय पुष्प पलाश। मनुष्य, तो यहाँ पे
पुरवा की अधिवास में शामिल है, तो पुरवा ग्रामीण अधिवास में शामिल है। तो कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, तो किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, मुंबई तट पर अवस्थित है। उसके बाद मानसून वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है 70 से 200 सेमी, 70 से 200 सेमी, तो 70 से 200 सेमी जहाँ 200 सेमी जहाँ वर्षा होते हैं मानसून वन पाए जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, कार्बी एक लोग पठार विस्तार है प्रायद्वीपी पठार का, डी मार दीजिएगा। तो थैंक फॉर वॉचिंग। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पर्यावरण का सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। पर डेली आप एक एक वीडियो देखा करिए। थैंक फॉर वॉचिंग। और आज के लिए इतना ही, 30 क्वेश्चन कन्फर्म हो गए। तो थैंक फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।